अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हर ऑफिस से होंगे। CS 101 की सेकंड असाइनमेंट आ चुकी है और उसकी लास्ट डेट है 23 जनवरी। इसकी एक एक्सटेंडेड डेट होती है जो कि 24 जनवरी होगी, मतलब 24 जनवरी तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका जवाब तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन से और आपको मैं टोटली समझाऊँगा कि इसको किस तरह से करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज़ बिल्ट अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब LMS के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना जो वो डेटाबेस सिस्टम बनाता है। ऑफ एन ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट, ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट के लिए वेरियस रिलेशन टेबल्स आर डिफाइंड टू स्टोर डाटा रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू ईच एंटिटी इन अ सेपरेट रिलेशन। अगर मैं सिंपल इनकी बात करूँ तो उसने क्या किया है, एक डिवेल्पर ने एक LMS सिस्टम बनाया है जिसके अंदर उसने 3 जगह पे डाटा स्टोर किया है। किसका, स्टूडेंट नाम का एक उसने बनाया है टेबल, उसके बाद उसने बनाया है कोर्स नाम का और उसके बाद एनरोलमेंट नाम का। अभी आपके सामने तीनों टेबल मौजूद हैं, स्टूडेंट का, कोर्स का, एनरोलमेंट का। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट सेक्शन में, स्टूडेंट नाम के टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, अंदर एक स्टूडेंट ID है, मतलब स्टूडेंट्स जितने भी होंगे नीचे जो डाटा है ना वो स्टूडेंट्स की IDs लिखी हुई हैं, और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो इसके नीचे जितने भी होंगे वो स्टूडेंट नेम लिखे होंगे। इसको मैं MS Word में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा मैं और लिख के, लाइक यहाँ पे ID मैं लिख देता हूँ 112233। इस तरह से डाटा लिखा हुआ है, स्टूडेंट की IDs लिखी हुई हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है MS रहमान एंड इमाद, और इसके साथ डिग्री प्रोग्राम, किसी का BS है, किसी का IT है। डिग्री प्रोग्राम वैसे CS IT या SE होता है, तो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट भी अगर रेजिडेंट सिटी की बात करें तो यहाँ पे लाहौर, यहाँ पे कराची, कुछ भी लिखा हो सकता है, मतलब ये डाटे इकट्ठे किए हुए हैं उसने। उसके बाद जो कोर्स है, कोर्स भी ऐसे ही है कि कोर्स कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं और कोर्स टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट ID, टीचर ID लिखी हुई है। और इसी तरह से अगेन उसी पे आ जाते हैं, एनरोलमेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट IDs लिखी हुई हैं, कोर्स IDs लिखी हुई हैं और सेमेस्टर लिखे हुए हैं। तो ये डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है, हमें बताया गया है कि एक सॉफ्टवेयर ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है LMS को, जिसके अंदर उसने स्टूडेंट नाम के टेबल में ये डाटा रखा है, कोर्स नाम के टेबल में ये डाटा रखा है और एनरोलमेंट नाम के टेबल में ये डाटा रखा है। ये एक हमारे सामने ना केस दिया गया है हमें, जिसको हमने स्टडी करना है, और जवाब छोटा सा जवाब होगा उसके लिए, उसके पास आते हैं अब थोड़ा सा। ये हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कहा गया गया है हमसे। अब देखते हैं जो क्वेश्चन होगा ना वो अब हम हमारे सामने आएगा। द डिवेल्पर नीड्स टू एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो कह रहा है जो डिवेल्पर है ना, मतलब आप हैं, आपको एक्सट्रैक्ट करना है डाटा इनमें से, इन टेबल में से ना डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब डाटा लेना है एक अलहदा। एक तो ये 3 टेबल बनाए हुए हैं ना, 3 टेबल के साथ आपको एक न्यू, मे बी 2-3 टेबल बनाने पड़ जाए, लेकिन न्यू बनाने हैं, इन्हीं में से डाटा लेके बनाने हैं। और कौन कौन सा डेटा लेना है वो हम देखते हैं। गिवन इन टेबल 1, टेबल 1 में बताया गया कि हमने कौन कौन सा डेटा लेना है। फ्राम हिज डिफाइंड डाटा बेस मॉडल यूजिंग द रिलेशन डेटाबेस क्वेरीज डेट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन, वो कह रहा है कि आपने डाटा लेना है इन टेबल में से और न्यू एक टेबल बनाना है, किसके थ्रू, सेलेक्ट प्रोजेक्ट और ज्वाइन ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब आप आगे जाएंगे ना, जो क्वेश्चन हमें दिए गया है, मतलब ये टेबल 1 के अंदर हमें क्वेश्चन ही दिए गए हैं, अब ये चीज़ आपको तब पता चलेगी, तब समझ आएगी, अगर आपको सेलेक्ट ऑपरेटर आता है, अगर आपको प्रोजेक्ट ऑपरेटर आता है, अगर आपको ज्वाइन ऑपरेटर आता है। खैर अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊँगा। बहुत ही आसान है सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और ज्वाइन ऑपरेटर, क्योंकि मिलते जुलते भी हैं और सिर्फ एक एक सेंटेक्स तीनों का याद करना है हमें। अच्छा, तो हमें अब पूछा क्या गया है टेबल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में। उसने कहा है कि एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्ट करें मतलब अलहदा किसी न्यू टेबल में लिखें, क्या लिखें, ऑल द स्टूडेंट्स फ्राम द स्टूडेंट, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट वाला, ये जो दूसरा स्टूडेंट है ना, इस टेबल को कहा गया है, मतलब ये ऊपर हमने एक टेबल देखा था ना, ये देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो ये वाला जो टेबल है इसमें से क्या करना है, तमाम स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्राम द स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सिटी, सिटी के लिहाज से, मतलब इस जो टेबल के अंदर, ये स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर उन तमाम स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करें, बाहर निकालें, न्यू बॉक्स में डालें जाके, जिनका लाहौर सिटी है, जिनका रेजिडेंट लाहौर होगा। अब यहाँ पे कुछ और हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ इतना कहा है कि इसका हमें एक स्पेसिफिक वो लिख देना है, क्या कहते हैं उसको, सेंटेक्स लिख देना है, वो भी हम खुद नहीं लिखेंगे, वो भी हमने सिर्फ बताना है कि कौन सा सेंटेक्स यूज़ होगा। उन्होंने नीचे सारे सेंटेक्स दिए हुए हैं, हमें जस्ट ये बताना है कि इसके लिए कौन सा सेंटेक्स यूज़ होगा, काम क्या करना है, एक्सट्रैक्ट आवर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को एक न्यू जगह पे लेके जाना है स्टूडेंट टेबल में से,
जिनका स्पेसिफिक सिटी, अच्छा लाहौर भी नहीं, उसने कहा, उसने कहा कि स्पेसिफिक सिटी मतलब कोई भी एक सिटी हो। खैर इसके नीचे हम आते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्राम द स्टूडेंट टेबल। अब एक और काम कहा है उसने कि तमाम उन स्टूडेंट्स को स्टूडेंट टेबल में से अलहदा करें या निकालें हु आर एनरोल्ड इन बी एस सी एस डिग्री, जो बी एस सी एस डिग्री में एनरोल किए गए हैं। अब ये दूसरा काम होगा, दूसरा क्वेश्चन हो गया, हर क्वेश्चन यहाँ पे दो दो नंबर का होगा। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है कॉलम्स में से। कॉलम्स कौन सा है यहाँ पे देखते हैं, कॉलम्स कोर्स कोड एंड कोर्स टाइटल एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द कोर्स टेबल। यहाँ पे उसने कोर्स टेबल की बात की है, टेबल पहले स्टूडेंट टेबल था ना, इस दफ़ा कोर्स टेबल है, कोर्स टेबल के अंदर जाएंगे हम और कौन कौन से कॉलम, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और डिग्री प्रोग्राम देखते हैं हम अभी। ये हमारे पास कोर्स टेबल है, इसके अंदर कोर्स कोड, दूसरा क्या कहा था उसने, कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल ये वाला कोर्स टाइटल है, और तीसरा उसने कहा था डिग्री प्रोग्राम, तो ये हमारे पास डिग्री प्रोग्राम है। तो ये तीन कॉलम्स के अंदर जो डाटा है ना वो हमने निकालना है। अगेन देखिए उसने क्या कहा है, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स, तमाम रिकॉर्ड्स निकालें इन द कॉलम, इन कॉलम में से, कोर्स कोड वाले कॉलम, कोर्स टाइटल वाले कॉलम और डिग्री प्रोग्राम वाले कॉलम में से, तो सारा डाटा निकाल लें, किस टेबल के, कोर्स टेबल के, कोर्स टेबल के अंदर जो भी ये कॉलम्स हैं वो हमने निकाल दें। अब इसके लिए कौन सा सिंटैक्स यूज होता है ये पूछा गया है। फाइव है कि एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्स फ्राम द कोर्स टेबल, अब तमाम कोर्सेज निकालने हैं फ्राम द कोर्स टेबल हैविंग थ्री और मोर क्रेडिट आवर्स, मतलब जिनके तीन और तीन से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स हैं वो वाले हमें कोर्सेज निकालने हैं कोर्स टेबल में से। ये भी मे भी आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन जब हम नेक्स्ट इनके जवाब की तरफ जाएंगे ना तब मैं आपको अगेन जब बताऊंगा तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अभी जस्ट आप सुनते जाएं, क्योंकि जो बंदा पहली दफ़ा देख रहा है उसको वो उसे ऐसे लगेगा कि ये पता नहीं क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। खैर नेक्स्ट है हमारा सिक्स आखिरी कि ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल्स, मतलब कोर्स टेबल, अब ये एक न्यू चीज़ है, स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल, ये दो टेबल है ना हमारे पास, ये देखें, ये एक स्टूडेंट टेबल है और ये कोर्स टेबल है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। मतलब हमें इस दफ़ा जो न्यू टेबल बनाना है ना उसके अंदर इसके कुछ होंगे और इसके कुछ होंगे, अब कौन कौन से होंगे ये नेक्स्ट बात करते हैं। उन्होंने कहा है जॉइंट स्टूडेंट और कोर्स टेबल यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट, डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट इन दोनों में एक कॉमन चीज़ ज़रूर होगी, ये देखिए डिग्री प्रोग्राम और ये डिग्री प्रोग्राम। अब इसके अंदर जो जो चीज़ कॉमन होगी ना उसके हिसाब से इन दोनों को हमने ज्वाइन करके लिखना है। खैर ये हमारे छः क्वेश्चन थे, अब इन छः के आंसर भी हमें दिए गए हैं इस असाइनमेंट में, लेकिन छः के छः आंस नहीं दिए गए, 12 आंस दिए गए, हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से छः आंस इसके कौन से वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर दिखाता हूँ इनके, ये उन्होंने यही लिखा हुआ है कि हमने आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं, ये देखें ये इन्होंने 12 आंस हमें दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर लीजिएगा 12 हैं, इनके अंदर से 6 गलत हैं और 6 ठीक हैं, जो 6 ठीक है ना वही इनका जवाब है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका जवाब है। और जो क्वेश्चन हमें मेन दिया गया है वो क्वेश्चन ये वाला है, उसने कहा है कि सीरियल नंबर 1 रिक्वायर्ड, मतलब ये जो 1 स्टेटमेंट हमने पढ़ी है उसका जवाब उसने खुद बता दिया ए है, जो 2 पढ़ी है उसका क्या है, 3 पढ़ी है उसका क्या है, 4 पढ़ी है उसका क्या है, 5 6 इनका क्या जवाब है, तो ये वही स्टेटमेंट्स है जो अभी हम पढ़ के हैं, पहली का जवाब उसने खुद बताया, बाकी जो दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी इन सब के जवाब हमने बताने हैं कि इनका जवाब क्या बनेगा। तो अभी हम करेंगे सिलेक्ट प्रोजेक्ट एंड ज्वाइन ऑपरेटर, कि सिलेक्ट ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या है, ज्वाइन ऑपरेटर क्या है, जो कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये तीनों सिंटैक्स है, अगर आप वो सिंटैक्स कर लेते हैं तो ये आपके 6 के 6 उसी में से हल हो जाएंगे। तो अभी हम उनको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ कि वो कुछ इसी टाइप के होंगे, मतलब ये देखें सिलेक्ट फ्राम स्टूडेंट वेयर रेजिडेंट ही, अब इनमें से 12 में से वो 6 गलत है और 6 सही है, ये हमने चेक करने हैं। इसके लिए हम हैंडआउट्स पे चलते हैं और उसको देखते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 156 जिसके अंदर हम सिलेक्ट वाला टॉपिक करेंगे, और उसके बाद 157 जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट वाला टॉपिक करेंगे, और नेक्स्ट 158 उसके अंदर ज्वाइन वाला टॉपिक करेंगे। सिलेक्ट प्रोजेक्ट और ज्वाइन ये तीन ऑपरेटर हैं, तीनों को हम आज तीन मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास पहले का सिंटैक्स है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू, अब न्यू से यहाँ पे क्या मुराद है, न्यू से कोई भी नाम हो सकता है। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास ये टेबल है, जैसे कि ये कोई भी हमारे पास टेबल दिया गया है, एक गिवन टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। अब इससे हमें एक न्यू टेबल बनाना है, लेकिन कुछ चीज़ें लेनी है, न्यू के अंदर हमें सिर्फ कुछ डाटा लेना है, वो कौन सा डाटा लेना है वो इसके ज़रिए हम बयान करेंगे। अब जो हमने न्यू टेबल बनाना है उसका नाम हमने रखा है न्यू, इसलिए हमने यहाँ पे न्यू रख दिया है। तो यहाँ पे इस सेंटेक्स में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है या फिर आपकी अपनी मर्जी का भी कोई नाम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट, सिलेक्ट एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट है फ्रॉम एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय एक टेबल का नाम है, इस टेबल का नाम। तो जहाँ भी आपने लिखना है सेलेक्ट फ्रॉम के बाद टेबल का नाम जो भी होगा वो आपने लिखना है, चाहे एम्प्लॉय लिखना है या अगर टेबल का नाम कुछ और होता तो हम यहाँ पे कुछ और लिखते। नेक्स्ट आपने वेयर का एक कीवर्ड यूज़ करना है और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी है कॉलम का नाम। अब यहाँ पे एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, एक है नेम, एक है एड्रेस, एक है एसएसएन। लेकिन हम अगर इन्हें किसी में से भी डाटा लेना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। हम एम्प्लॉय आईडी में से लेना चाहते थे तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा है। एम्प्लॉय आईडी के अंदर अब हमने लिखा है कि एम्प्लॉय आईडी इक्वल होगी 34/70, तो इसके इक्वल है। तो उसने क्या किया है, अब न्यू के अंदर वो चीज़ सेलेक्ट की है जो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 34/70 थी। मतलब इसके अंदर जो 34/70 थी उसकी लाइन को उसने इकट्ठा कर लिया है और न्यू न्यू टेबल उसका बना दिया है। तो ये हमारे पास सेलेक्ट ऑपरेटर का काम था। इसकी अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, लाइक अगर ऐसा होता कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कुछ इस तरह की होती, 1, 2, 3, 4, ये एम्प्लॉय आईडी होती 4। अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी ये होती और यहाँ पे लिखा होता एम्प्लॉय आईडी बड़ी होनी चाहिए 1 से, अब 1 से बड़ी होनी चाहिए अगर लिखा होता ये, यहाँ पे एक कंडीशन होती तो फिर क्या होना था, 1 से जितनी भी बड़ी होनी थी, मतलब 2 भी बड़ा था 1 से, 3 भी बड़ा था 1 से, 4 भी बड़ा था 1 से, तो वो तीनों लाइनें उसने पूरी पूरी न्यू टेबल के अंदर लिख देनी थी। मतलब यहाँ पे अगर किसी लाइंस को, कुछ लाइंस को अगर हमने इकट्ठा करना है तो हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट कीवर्ड। अब प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट में वही पहली बात तो वही है सेम कि हमने कोई भी नेम रखना है न्यू टेबल का। ये एक हमारे पास पहले वाला टेबल है, इसके बाद हमने एक न्यू टेबल बनाना है। न्यू टेबल का जो भी नाम रखना है, मैंने मेल नाम रखना है तो वो मैंने मेल लिख दिया है। उसके बाद कीवर्ड यूज़ करना है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बाद अब ये हम जो प्रोजेक्ट वाला कीवर्ड है ये हम यूज़ करते हैं कुछ कॉलम्स को लेने के लिए। लाइक पहले हमने जो टेबल देखा था उसके अंदर हमने कुछ रोज़ को लेना था, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलम्स को लेना है। मतलब एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है और चौथा कॉलम है। इनमें से किसी भी दो कॉलम्स के डाटे को हमने लेना है, तो उन कॉलम्स के नाम को हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब यहाँ पे नेम लिख दिया, कोमा डाल के एड्रेस लिख दिया, जितने भी कॉलम्स आपने लेने हैं कोमा कोमा डाल के आप उनके नाम लिखेंगे और फ्रॉम एम्प्लॉय एंड पे लिखेंगे टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम होगा। अब नेक्स्ट उसने क्या किया है, ये देखिए एक नया टेबल बनाया है जिसका नाम उसने मेल रख दिया है और उसके अंदर कौन कौन से नेम वाला और एड्रेस वाला दोनों कॉलम के अंदर जो भी डाटा था वो उसने नीचे लिख दिया है। ये देखिए नीचे सेम टू सेम लिख दिया है और ये एक नया काम बन गया। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं किसी और तरीके से दूं, मतलब अगर आप कोमा डाल के यहाँ पे एसएसएन भी लिख देते तो उसने एसएसएन भी यहाँ पे लिख देना था। तो एक हमने किया सेलेक्ट जिसके अंदर हमने क्या किया है, अगर लाइंस का डाटा हमने लेना हो तो हम सेलेक्ट वाला यूज़ करते हैं और कुछ इस तरह से लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, ये टेबल आ गया, और टेबल के बाद वेयर एम्प्लॉय आईडी या कोई भी कॉलम इज इक्वल टू जिसके भी होगा, या लेस देन समार देन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लाइन आपने लाइंस में डाटा लेना हो वहाँ पे हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने कॉलम्स को सेपरेट करना हो, कॉलम सेपरेट करने हो वहाँ पे हम प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ज्वाइन कीवर्ड। अब ज्वाइन कीवर्ड क्या है, ज्वाइन जैसे हमने पहले देखा एक के अंदर लाइंस को लेना होता है, एक के अंदर कॉलम्स को लेना होता है, यहाँ पे दो टेबल्स होते हैं, दो टेबल्स उन दोनों को ज्वाइन करके एक तीसरा टेबल बनाना होता है। मतलब कुछ डाटा हमने पहले टेबल में से लेना है, कुछ डाटा हमने दूसरे टेबल में से लेना है और एक तीसरा टेबल क्रिएट कर देना है, उसके लिए हम ज्वाइन का यूज़ करते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है कि पहला नाम सी उसने इसलिए लिखा रखा है क्योंकि वो जो न्यू टेबल बना रहा है उसका नाम सी है, अदरवाइज आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। और जो कीवर्ड यूज़ करना है वो आपने ज्वाइन यूज़ करना है। अब बात आती है कि आपने कितने टेबल्स को इकट्ठा करना है, मतलब दो टेबल्स को अगर इकट्ठा करना है तो ए एंड बी, पहले टेबल का नाम एंड दूसरे टेबल का नाम। नेक्स्ट आपने वेयर का लफ्ज़ यूज़ करके, वर्ड यूज़ करके अब आपने लिखना है कि पहले टेबल में से और दूसरे टेबल में से कौन कौन सा डाटा आपने इकट्ठा करना है। तो उसने कहा है कि इसका डब्ल्यू कॉलम इकट्ठा करना है और इसका एक्स कॉलम इकट्ठा करना है। अब ये चीज़ देखनी है कि पहले टेबल का डब्ल्यू का इकट्ठा करना है ना, तो उसका नाम है ए डॉट डाल के उसका जो कॉलम होगा वो लिखना है, मतलब ए डॉट डब्ल्यू, तो उसने ए डॉट डब्ल्यू ही लिखा है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट टेबल में से आपने क्या चीज़ लेनी है, टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम, तो बी डॉट क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा, बी डॉट एक्स हो गया, तो यहाँ पे बी डॉट एक्स लिखा है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू डालना है या छोटा है, लेस देन या स्मॉलर देन, जो भी आपने डालना है, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे उसने इज इक्वल टू लिखा है तो क्या मतलब है, ए और बी दोनों कॉलम को इकट्ठा करो जहाँ पे ए डॉट डब्ल्यू और बी डॉट एक्स बराबर हो। अब हम देखेंगे जो ए डॉट डब्ल्यू है उसके पहला रिजल्ट ले लेते हैं, दो है, तो वो देखते हैं किसके बराबर है, 5 के बराबर है, नहीं बराबर। उसके बाद 4 के बराबर है, नहीं बराबर। 2 के बराबर है, हाँ जी 2 के बराबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पूरी लाइन है, मतलब टी था आई थिंक, टी और 2 और उसके बाद ये पूरी लाइन, ये हम तीसरे टेबल के अंदर लिख देंगे। ये देखिए ऐसे ही उसने सेम लिख दी है।
इसी तरह फिर हम देखेंगे इसका दूसरा अदद 4 है, 4 देखें 5 के बराबर है, नहीं बराबर, 4 4 के बराबर है, इसके बराबर है, तो हम इसकी भी पूरी लाइन लेंगे, उधर से ये वाली भी पूरी लाइन ले लेंगे, दोनों पूरी लाइनें लेके हम यहाँ पे लिख देंगे, ये दूसरी लाइन बन गई। अब अगेन देखेंगे 4 2 के बराबर है, नहीं बराबर, 4 नीचे वाले 4 के बराबर है, बराबर है, तो ये पूरी लाइन और नीचे ये वाली पूरी लाइन, ये लेके हम एक और लाइन नीचे बना देंगे, तो ये तीनों लाइनें इस तरह से बनी है। नेक्स्ट 6 रह गया, तो 6 यहाँ पे किसी के भी बराबर नहीं है, आप देखें 6 ना 5 के बराबर है, ना 4 के बराबर है, ना 2 के बराबर है, ना 4 के बराबर है, तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि सी के अंदर कौन सी चीज़ें आई हैं, एक कॉलम हमने लिया, उस कॉलम के अंदर इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह से नजर आए, एक कॉलम लिया जिसके अंदर उसने देखा है कि इसकी कौन कौन सी चीज़ इसके बराबर है, वो उसने न्यू टेबल बना दिया। अब यहाँ पे लेस देन स्मॉलर देन भी आ सकता था, मतलब वो कहता कि इसके अंदर जो है बी के अंदर वो चीज़ बड़ी हो तो करो, मतलब कि यहाँ पे फिर कैसे आना था, दो से जो बड़ा होगा, अब दो से पाँच बड़ा है तो फिर पाँच वाली ये पहली लाइन भी आ जानी थी, दो से चार बड़ा है तो पहले ये भी आ जानी थी, दो दो के बराबर है तो ये वाली फिर क्रॉस हो जाना था, मतलब यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने सेलेक्ट, उसके बाद सेलेक्ट में क्या किया था कि अगर लाइन लेनी हो तो सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने कॉलम्स लेने हो तो प्रोजेक्ट का यूज़ करेंगे, अगर दो को मिलाना हो मतलब ज्वाइन करके तीसरा बनाना हो तो हम ज्वाइन वाले का यूज़ कर लेंगे। और सिंटैक्स आपने इसी तरह याद रख लेना है कि ए डॉट डब्ल्यू ये ज़रूरी लिखना है कि टेबल का नाम और डॉट कॉलम का नाम लिखना है, और बराबर या लेस देन जो भी होगा फिर टेबल का नाम और कॉलम का नाम लिखना है, ये तीनों सिंटैक्स आपने याद रखने हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वही चीज़ें यहाँ पे फॉलो करके, उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करके हम करेंगे। यहाँ पे पहले दो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं, वैसे मैं वीडियो में भी करवा दूंगा लेकिन आपने ट्राई करना है कि आप खुद करें। अब पहला क्या है इसमें, मैं यहाँ पे आपको खुद लिख के दिखाऊंगा, मतलब हम नीचे बेशक मैच करेंगे जाके, लेकिन यहाँ पे हम खुद करेंगे कि इसका क्या बनता है। तो देखें, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट, उसने कहा कि ऑल स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सिटी। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने कोई भी नाम रखना है तो मैं न्यू रख देता हूँ नाम, उसके बाद उसने कहा कि एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट का मतलब है मतलब स्टूडेंट्स को सबको एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट आ गया, उसके बाद फ्रॉम किस में से करना है, स्टूडेंट टेबल में से करना है, तो मैं स्टूडेंट टेबल का नाम लिख देता हूँ, स्टूडेंट टेबल आ जाएगा, और उसके बाद बिलोंगिंग टू अ वेयर, यहाँ पे हमने वेयर वर्ड का यूज़ करना था ना, और अब देखना है कि किस चीज़ के बराबर हो, तो जो सिटी है हमारा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो कोई स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कोई भी नाम कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, स्पेसिफिक ही लिख देते हैं चले, या फिर किसी शहर का नाम लिख देते हैं, लाहौर लिख देते हैं। तो ये अगर हम देखें, हमारा जो पहले वाला है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रेजिडेंट सिटी इज इक्वल टू लाहौर, अब यहाँ पे लाहौर लिखा है उसने, और ये रेजिडेंट सिटी भला क्यों लिखा है, क्योंकि कॉलम का नाम रेजिडेंट सिटी होगा, यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें रेजिडेंट सिटी है, तो हमने वो चीज़ें लिखनी है जो डाटा के अंदर दी गई हैं। तो ये तो था पहला जिसका जवाब उसने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये देखें पहले का जवाब ए था, ये उसने बताया हुआ था, बाकी दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा ये हम खुद करेंगे अभी। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरे को देखते हैं दूसरा क्या चीज़ है। तो दूसरे के अंदर आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, ये वही चीज़ आ गई, पहले मैं न्यू लिख देता हूँ जो कि कोई भी नाम लिखना है हमने, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद किस में से करना है, वो स्टूडेंट टेबल में से करना है तो स्टूडेंट टेबल का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, हु आर एनरोल्ड इन BScS डिग्री प्रोग्राम, जो लोग BScS डिग्री प्रोग्राम में ऐड हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेयर वर्ड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद डिग्री प्रोग्राम क्या होना चाहिए, डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए इज़ इक्वल टू BScS। अब ये हमारा सिंटैक्स बनेगा, ये मुझे लग रहा है कैसा बनेगा, अभी हम देखते हैं क्या यहाँ पे 12 में से कोई ना कोई इस तरह का है, तो वो अभी पता चल जाएगा हमें। सबसे पहले तो देखिए सिलेक्ट कहाँ पे यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट यूज़ होने वाला है, सिलेक्ट फ्राम, ये देखिए ये सेम हो गया, सिलेक्ट फ्राम स्टूडेंट, वो तो वही चीज़ है ना टेबल में से, वेयर डिग्री प्रोग्राम इज इक्वल टू BScS, तो ये सिंपल सी बात है, आपको भी पता चल गया होगा कि ये यही इसका जवाब बनता है। और जो इन्होंने एफ़ लिखा है, वो एफ़ मैंने जो बताया था कि कोई भी नाम रख सकते हैं, तो उन्होंने नाम एफ़ रख लिया है, तो ये जो हमारा दूसरा जवाब है उसका हमारा एफ़ बनेगा, ये मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर हम जवाब लिख देते हैं दूसरे का क्या बनेगा, एफ़ बनेगा, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एफ़ हो गया। अब बाकी आपने खुद करने की ट्राई करनी है, नहीं तो मैं तो फिर आपको करवा ही रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास, तीसरे को इसी तरह हम देखते हैं वो क्या बनता है। तीसरा है हमारे पास एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे कॉलम की बात आ गई है, एक्सट्रैक्ट करना है ऑल द रिकॉर्ड्स
इन द कॉलम्स, कॉलम्स में से करना है। तो कॉलम्स के अंदर मैंने क्या बताया था कि हम प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं। तो कॉलम्स कौन कौन से कॉलम है, स्टूडेंट नेम है, डिग्री प्रोग्राम है, तो ये दो कॉलम्स हैं। तो उन दोनों कॉलम्स के हम नाम लिख देंगे। देखते हैं ज़रा इसको मैंने कैसे करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पहले तो वही नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद हम प्रोजेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने कॉलम्स को लेना हो। प्रोजेक्ट कीवर्ड अब हमने आगे लिखना होता है कि कौन कौन से कॉलम्स है। तो कॉलम्स के नेम यहाँ से देखें, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम, कोमा डाल के हमने लिखना है क्या डिग्री, डिग्री प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है तो डिग्री प्रोग्राम लिख देंगे, डिग्री प्रोग्राम लिख दिया। उसके बाद कोम आई थिंक यही है। और टेबल कौन सा है, फ्रॉम आएगा यहाँ पे, फ्रॉम कौन सा टेबल है, टेबल है जी स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट लिख देंगे। अब ये हमारे तीसरे का जवाब बनता है। बाकी हम मैच करते हैं क्या इस तरह का कोई है यहाँ पे, मे बी हमारी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाएँ, लेकिन इसका जवाब यही बनेगा। देखते हैं प्रोजेक्ट के नाम से, ये पहले ही प्रोजेक्ट के नाम से लिखने नहीं गलत बन रहा है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट के नाम से, ये भी गलत बन रहा है। प्रोजेक्ट के नाम से ये देखें, ये वाला हमारे मैच कर रहा है हमारे के साथ। ये देखें प्रोजेक्ट आ गया, उसके बाद स्टूडेंट नेम लिखा है उसने और डिग्री प्रोग्राम लिखा है, उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल था तो स्टूडेंट टेबल लिख दिया। ये दोनों उसने कॉलम नेम लिखे है, अगर कोई और कॉलम हमें क्या गया होता तो हमने वही लिखना था। तो ये हमारा मैच कर रहा है तो इसका आई आएगा। तो ये हमारा जवाब था तीसरे का, यस तीसरे का जवाब था। तो तीसरे का हमारा आई जवाब बनेगा, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आई आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, फोर्थ के अंदर देखते हैं उसने कहा एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम्स। ये भी सेम है, इसको मैं इसी को वो कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ, वैसे ये आपको खुद करना चाहिए। अच्छा इसमें क्योंकि करना है कॉलम्स में करना है, तो कॉलम्स के अंदर आपको पता है कि आप प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं, तो हमने प्रोजेक्ट का यूज़ कर लिया। उसके बाद उसने कहा कि कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, डिग्री प्रोग्राम, ये सारे तीनों क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स को लिखना है ऑफ द कोर्स टेबल। तो यहाँ पर भी डिफरेंट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉलम्स के नेम चेंज करेंगे। कॉलम्स के नेम क्या है, कोर्स कोड, कोर्स कोड। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिग्री प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम। ये स्पेल में मे भी मैं गलत लिख रहा हूँ, जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स टेबल। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे क्योंकि कोर्स टेबल है तो हम यहाँ पे कोर्स लिखेंगे। तो ये हमारे फोर्थ का जवाब बनेगा। अब इसको ज़रा मैच करें कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, इसका जवाब वही होगा। वैसे आपको ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट वो ए बी सी डी जवाब के तौर पर लिखना है, वो भी मैं आपको एंड पे बताऊँगा। खैर ये प्रोजेक्ट कौन सा है इनमें से, प्रोजेक्ट कोर्स कोड, ये देखें ये सेम हो रहा है, ये और ये देखें ज़रा, इसको थोड़ा साइड पे रखूं, ये वाला देखें ज़रा, प्रोजेक्ट आ गया, उसके बाद वही कोर्स कोड, वही कोर्स टाइटल, डिग्री प्रोग्राम, फ्रॉम कोर्स। तो ये हमारा ई वाला बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा ये नोट कीजिएगा, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, ये वो कहाँ से ले रहा है, डिग्री प्रोग्राम, ये उसने लेना है अपने पहले वाले टेबल में से। तो पहले वाला टेबल कौन सा है, ये देखें, ये टेबल यहाँ से उसने एग्जैक्ट वही लिखने हैं वर्ड्स, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको टेबल्स में समझाया था, तो ये वहाँ से लफ्ज़ ले रहा है। खैर हमारा ये ई जवाब आएगा, कौन से वाले का, फोर्थ का, फोर्थ का हमारा जवाब है ई। यहाँ पे हम ई लिख देते हैं और नेक्स्ट फाइव की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया इसका ई। नेक्स्ट हमारा फाइव है, जो फाइव के अंदर क्या कहा है उसने, एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स टेबल हैविंग थ्री और मोर। यहाँ पे सेलेक्ट का ही वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि कॉलम्स में से लेना है, उसने कहा है कि जस्ट एक्सट्रैक्ट द ऑल कोर्सेज, कोर्सेज को करना है, लेकिन उसकी शर्त बताई है कि ये कोर्सेज होने चाहिए, मतलब कंडीशन बताई है। तो उसका हम कैसे करेंगे, वही सबसे पहले तो न्यू लिखेंगे, न्यू के बाद हम क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज, कोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है, सेलेक्ट का की वर्ड यूज़ करेंगे, सेलेक्ट कोर्सेज फ्राम द कोर्स टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे फ्राम, तो टेबल का नाम क्या है, कोर्स है, वो लिखेंगे। और नेक्स्ट एक कंडीशन डालनी है, जिसके लिए हम वेयर वर्ड यूज़ करते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास, जहाँ पे थ्री और मोर क्रेडिट आवर हो। अब क्रेडिट आवर टेबल में ज़रा देखें तो यहाँ पे कहाँ है क्रेडिट आवर, क्रेडिट आवर ये देखिए लिखा है क्रेडिट आवर, इसी को कॉपी कर लेते हैं। क्रेडिट आवर कितना होना चाहिए, उसने कितना कहा है, क्रेडिट आवर होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए या इज इक्वल टू होना चाहिए कितने के, तीन के। तो ये हमारा क्रेडिट आवर, ये हमारा जवाब बनेगा कि हमारा सेलेक्ट करें वो वाले कोर्स सेलेक्ट करें जिनका क्रेडिट आवर है वो तीन से ज़्यादा हो या तीन के बराबर हो। तो ये हम देखते हैं किसके बराबर बनता है, ये चेक करते हैं जाके किसके साथ मैच हो रहा है।
ये देखें ज़रा एंड वाला, सेलेक्ट फ्राम कोर्स मतलब टेबल नेम लिखा है, और जहाँ क्रेडिट आवर 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा इसका जवाब एल बनेगा। 5 का जवाब है जो वो एल बनेगा, एल हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे 6। 6 क्या है, 6 को ज़रा देखते हैं, ये है ज्वाइन स्टूडेंट। ये ज्वाइन से पहले पता चल गया, एक स्टूडेंट टेबल है ज्वाइन, स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल दोनों टेबल हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं, और यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट, जो डिग्री प्रोग्राम है ये कॉलम का नेम लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू हमने इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन के लिए आपको पता है कि हम ज्वाइन का यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो कोई भी नेम लिख लेते हैं, नेम लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे ज्वाइन वर्ड का यूज़ करेंगे, और किन किन को ज्वाइन करना है, एक स्टूडेंट को, एंड एंड का वर्ड यूज़ करते हैं हम, और किसको करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है। दोनों को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आई थिंक वेयर था या क्या चीज़ थी, यहाँ पे वेयर लिख लेते हैं, खैर जो भी होगा वो मिस्टेक हम देख लेंगे। अब वहाँ पे उसने कहा है डिग्री प्रोग्राम, तो मैंने आपको बताया था पहले टेबल का नेम लिखना है फिर डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट डिग्री प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम, और नेक्स्ट क्या था, इनको ये इज इक्वल टू बराबर होने चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए कोर्स टेबल का नाम लिख रहा हूँ डॉट डिग्री प्रोग्राम, वही डिग्री प्रोग्राम अगेन लिख रहा हूँ। तो जो ज्वाइन वाला होता है उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था आपने क्या करना होता है, पहले स्टूडेंट कोर्स इनकी दो टेबल है उनको जमा करना है, जमा नहीं एंड करके लिखना है, और उसके बाद टेबल का नाम डॉट डाल के डिग्री प्रोग्राम या जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट होगा, और फिर कोर्स डॉट डिग्री प्रोग्राम, इन दोनों को इक्वल करना है या जो भी करना है, तो उन्होंने इक्वल कहा है तो हम यहाँ पे इक्वल का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं, ये तो नज़र भी नहीं आ रहा जिस तरह से हमने लिखा है, ये मैच करेगा यहाँ पे ज्वाइन वाले, देखते हैं कौन से हैं ज्वाइन, एक तो ये ज्वाइन है जिसके अंदर लिखा है ज्वाइन स्टूडेंट एंड प्रोग्राम वेयर स्टूडेंट, ये देखें यही वाला बन रहा है ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स, उसने सही लिखा है वेयर स्टूडेंट डॉट डिग्री प्रोग्राम इज इक्वल टू कोर्स डॉट डिग्री प्रोग्राम, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका जवाब डी बनेगा। यहाँ पे एक और ज्वाइन था उसमें मैं मिस्टेक आपको बताता चलूँ, ये देखिए ज्वाइन कोर्स एंड स्टूडेंट यहाँ पे ठीक लिखा है उसने, लेकिन ओन कॉलम डॉट डिग्री प्रोग्राम कर दिया, तो यहाँ पे ये गलत बन जाएगा, जहाँ पे इज इक्वल टू हो ना दोनों के दरमियान वो वाला ठीक बनता है, तो इसका जवाब डी आएगा, एंड वाले का जवाब डी बनेगा। तो ये थी आपकी CS 101 की असाइनमेंट, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो अभी आप खुद इसको कर सकेंगे। अब इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो बेशक लंबी हो गई है लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको कितनी समझ आई है, आपको मेरा मेथड किस तरह का लगा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।